हूँ गरिमा रितेश और अब देखेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। मुरादाबाद में बड़ा सड़क हादसा, मजदूरों से भरी बस पलटी, 4 की मौत, 18 घायल। सोशल मीडिया पर सीएम योगी का जलवा, बढ़ रहे फॉलोअर्स। अलीगढ़ के दर्जन भर से ज्यादा लोग एटीएस के रडार पर। यूपी के आज प्राधिकरणों ने पीएम आवास बनाने से खड़े किए हाथ। बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष को मारी गोली। आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट में लागू होगा दिल्ली का ऑड इवन फॉर्मूला। सैकड़ों युवाओं के करियर पर कोरोना महामारी ने लगाया ग्रहण। यूपी में राजकीय शिक्षकों के तबादले को आवेदन आज से। अब लंदन वाले चखेंगे यूपी के जामुन का स्वाद, पहली बार हुआ निर्यात। कस्तूरबा की बालिकाएं अब लैपटॉप कंप्यूटर पर करेंगी पढ़ाई। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। यूपी के मुरादाबाद में पाकबड़ा में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर मजदूरों से भरी एक बस पलटने से सिपाही समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बस की डीसीएम से टक्कर होने के बाद वो पलटी, इसमें 14 लोग घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, इनमें 4 की हालत गंभीर है। हादसा पाकबड़ा में मुरादाबाद बरेली हाईवे पर हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। आज स्वदेशी ऐप कू पर उनकी फॉलोअर की संख्या 1 मिलियन पहुंच गई। योगी आदित्यनाथ का अकाउंट कू पर फरवरी 2021 में खुला था, लेकिन 4 महीने में 10 लाख फॉलोअर्स हो गए। उधर ट्विटर पर भी योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से कई साल बाद आने के बाद भी फॉलोअर्स की संख्या में उनसे काफी आगे निकल गए हैं। अखिलेश यादव ट्विटर पर जुलाई 2009 में ही आ गए थे, जबकि योगी आदित्यनाथ सितंबर 2015 में ट्विटर पर आए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर अखिलेश यादव से 47,000 फॉलोअर्स आगे हैं। धर्मांतरण के तार अलीगढ़ से जुड़ने के बाद एटीएस की टीमें जिले में डेरा डाले हुए हैं। एएमयू समेत अन्य स्थानों पर टीमें छापेमारी कर अहम सुराग जुटा रही हैं। अलीगढ़ के दर्जन भर से ज्यादा लोग एटीएस के निशाने पर आ गए हैं। प्रदेश के विकास प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों में लक्ष्य के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास बना पाने में नाकाम हो रहे हैं। आवास विकास परिषद और 7 विकास प्राधिकरणों ने 32,270 मकान बनाने से हाथ खड़े कर दिए। विकास प्राधिकरणों ने इन मकानों के निरस्तीकरण का प्रस्ताव नगरीय विकास अभिकरण को भेजते हुए शासन को अवगत करा दिया है। इसकी वजह बताई है कि उन्हें कहीं जमीन नहीं मिल पा रही है तो कहीं निर्माण के लिए कोई निजी भागीदार रुचि ले रहा है। बरेली के पुराना शहर में बाइक सवार 5 हमलावरों ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष पर हमला कर उन्हें गोली मार दी। घायल भाजपा नेता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बरादरी में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने बीते दिनों इन्हें और प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। प्रदूषण पर लगाम के लिए दिल्ली में लागू किया जा चुका वाहनों का ऑड इवन फॉर्मूला सोमवार से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों के लिस्टिंग में लागू किया जा रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार सोमवार से अदालतों में लगने वाले सभी मुकदमे ऑड इवन नंबर से लिस्ट होंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फॉर्मूले पर असहमति जताते हुए इसका विरोध करने की बात कही है। सेना में भर्ती का सपना संजोए जिले के सैकड़ों युवाओं के करियर पर कोरोना महामारी ने ग्रहण लगा दिया है। गांव के बाग में ट्रैक बनाकर दौड़ लगा रहे युवाओं कोरोना के चलते 2 साल से भर्ती ना होने के कारण ओवरएज हो रहे हैं, जिससे अब मायूसी इन्हें घेरने लगी है। हालांकि अब भी भर्ती की आयु सीमा बढ़ने की उम्मीद में युवाओं ने अभ्यास जारी रखा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से वेबसाइट upscgtt.upsdc.gov.in पर शुरू होंगे। आवेदन 2 जुलाई तक किया जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग सोमवार को ही वेबसाइट पर जिलेवार, विधायकवार, विद्यालयवार और विषयवार रिक्त पदों की सूचना पर भी अपलोड कर देगा, ताकि शिक्षक अपना विकल्प दे सके। उत्तर प्रदेश के जामुन का स्वाद अब लंदन वाले भी लेंगे। पहली बार प्रदेश के जामुन का लंदन निर्यात किया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के AGM डॉक्टर CV सिंह ने रविवार को बताया कि यूपी के जामुन का लंदन के बाजार में स्वागत हो रहा है। आम के अलावा इस फल के निर्यात की भी काफी संभावनाएं हैं। बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण प्रक्रिया की तरह प्रदेश सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के भी डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सब कुछ सही रहा तो घर परिवार से दूर छात्रावास में रहकर
भविष्य के संवारने का सपना देखने वाली गरीब परिवारों की बालिकाओं का 1 जुलाई से ऑनलाइन शिक्षण और अभ्यास कार्य करना शुरू करवा दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डिजिटलाइजेशन होती दुनिया के साथ कस्तूरबा की बालिकाएं कदम ताल कर सकेंगी। खबर उत्तर प्रदेश की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार। Oh, 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 oh